शाहरुख खान आधी रात को अपने किस स्टाफ मेंबर से मिलने जाते थे? आलिया भट्ट कब से स्टार्ट करने वाली है अपनी स्पाई फिल्म की शूट? क्या रणबीर कपूर ने स्टार्ट कर दी है लव एंड वॉर की प्रेप? हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट विंध्या और ये रही आज की बॉलीवुड काउंटडाउन। सोनाक्षी सिन्हा ने कैसे मनाया अपना बर्थडे? सोनाक्षी सिन्हा ने आज ये पिक्चर शेयर करते हुए रिवील किया कि उन्होंने इस साल अपना बर्थडे सेट पर ही गुजारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी करण रावल की अनटाइटल्ड रोमांटिक थ्रिलर के लिए शूट कर रही थी। बिग बॉस ओटीटी 3 कब से स्टार्ट होने वाली है? बिग बॉस ओटीटी 3 के मेकर्स ने आज होस्ट अनिल कपूर की ये पोस्टर शेयर करते हुए अनाउंस किया कि शो 21 जून से जियो सिनेमास पर स्ट्रीम करने वाली है। SS राजामौली की नेक्स्ट फिल्म कब रिलीज होगी? SS राजामौली की अगली फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू स्टार करने वाले हैं एंड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी। सूत्रों के अनुसार राजामौली फिलहाल फिल्म की प्री प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं जो इस साल के अंत तक चलेगी एंड उसके बाद 2025 में शूटिंग स्टार्ट की जाएगी। वरुण धवन की बेटी की नई अपडेट्स दी डेविड धवन ने। वरुण धवन के पापा आज पैप्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे जिस दौरान उनसे पूछा गया कि उनकी बहू नताशा और पोती की तबीयत कैसी है। इसके जवाब में डेविड जी ने कहा फर्स्ट क्लास। सुरेश ओबरॉय ने बात की सलमान खान और विवेक ओबरॉय के फ्यूड के बारे में। सलमान और विवेक की 2003 फ्यूड को याद करते हुए सुरेश ओबरॉय ने आज बॉलीवुड हंगामा के इंटरव्यू में कहा विवेक ने उस वक्त अपने आप को बहुत अच्छी तरह हैंडल किया, मीडिया और इंडस्ट्री वाले सब उसके अगेंस्ट हो गए थे, कोई और उसकी जगह होता तो अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट बन जाता उस वक्त। शाहरुख खान से ये सीखा विजय सेतुपति ने। विजय सेतुपति ने रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने रिवील किया कि जवान के सेट पर उन्होंने शाहरुख से सीखा कि हमें हमेशा अपने एनर्जी लेवल्स हाई रखने चाहिए। शाहरुख की तारीफ करते हुए विजय ने कहा आप कभी नहीं बता पाओगे कि शाहरुख बीमार है जब तक वो खुद आकर आपको नहीं बताते, वो इतने हाई स्पिरिटेड रहते हैं सेट पर। बॉर्डर 2 की नई अपडेट्स हुई रिलीज। कुछ हफ्ते पहले ही अनाउंस किया गया था कि सनी देओल और आयुष्मान खुराना बॉर्डर 2 में स्टार करेंगे एंड आज रिवील किया गया है कि फिल्म की शूट इस साल अक्टूबर से शुरू होगी। रिपोर्ट्स की माने तो टीम ने ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है। इस बॉलीवुड डायरेक्टर की सारी फिल्में होने वाली है री रिलीज। बी टाउन डायरेक्टर जोया अख्तर ने इंडस्ट्री में 15 साल कंप्लीट किए और इस मौके पर PVR एंड आईनॉक्स ने अनाउंस किया कि जोया की फिल्में लक बाय चांस, दिल धड़कने दो, तलाश, गली बॉय एंड जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक हफ्ते के लिए थिएटर्स में री रिलीज होने वाली है। नौरा फतेही अब नेक्स्ट नजर आने वाली है इस आइकॉनिक सॉन्ग में। दिल पर नौरा फतेही के करियर का सबसे हिट गाना है और आज रिवील किया गया है कि नौरा बहुत जल्द दिल पर 2.0 के साथ आने वाली है। रिपोर्टेडली नौरा ने रिहर्सल स्टार्ट कर दी है एंड इस गाने को रफ्तार एंड सुखी कंपोज कर रहे हैं। करीना ने रिक्रिएट किया जब वी मेट का ये आइकॉनिक गाना। करीना कपूर खान ने कल दुबई में एक इवेंट अटेंड किया था जहां उन्होंने ये इश्क हाय गाने पर डांस किया और ये वीडियो फिलहाल पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। कौन है कार्तिक आर्यन की फेवरेट कोस्टा? कार्तिक ने रिसेंटली मुंबई टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उनसे पूछा गया कि आपकी फेवरेट कोस्टार कौन है, सारा या कियारा। इसका जवाब देते हुए कार्तिक ने कहा ये दोनों नहीं बल्कि विद्या बालन। आपको बता दें कि कार्तिक और विद्या अब नेक्स्ट भूल भुलैया 3 में साथ नजर आएंगे। बचपन में चोरी करती थी ये एक्ट्रेस। जानवी कपूर ने कर्ली टेल्स के रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि वो जब भी डिज्नी स्टोर जाती थी तो वो वहाँ से चॉकलेट्स उठाकर भाग जाती थी और उनके मम्मी पापा उन्हें चोर बुलाते थे। जानवी ने कहा कि तब उन्हें पैसों के कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं था। आलिया भट्ट कब स्टार्ट करने वाली है अपने नेक्स्ट फिल्म की शूट? आलिया भट्ट अब नेक्स्ट YRF की स्पाइवर्स फिल्म के लिए शूट करेगी। मिड के रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया की प्रेप फिलहाल चल रही है एंड टीम जुलाई से शूटिंग स्टार्ट करेगी। 4 महीनों तक कास्ट एंड क्रू कहीं इंडियन और फॉरेन लोकेशंस में शूट करेंगे। क्या रणबीर ने स्टार्ट कर दी है लव एंड वॉर की प्रेप? रामायण की शूट से ब्रेक लेकर रणबीर आज आए हैं डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के घर उनसे मिलने। रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर लव एंड वॉर की प्रेप के सिलसिले में ही संजय सर से मिलने आए हैं। इस फिल्म की शूटिंग अगस्त से स्टार्ट होगी।
अपने टीम मेंबर्स के लिए किस हद तक जा सकते हैं शाहरुख खान? सुनील पाल ने रिसेंटली बॉलीवुड बबल को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने रिवील किया कि शाहरुख खान का बॉय सुभाष उन्हीं के स्लम में रहता था और तब शाहरुख हर 4-6 महीने में एक बार सुभाष के घर आते थे उनके बच्चों के बर्थडे पर या फिर कभी सुभाष के घर पर कोई खास दिन होता था तो तब। सुनील ने रिवील किया कि शाहरुख आधी रात को सबके सोने के बाद आते थे चुपचाप 15-20 मिनट सुभाष के घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके चले जाते थे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।